जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के स्टूडियो में टॉपिक ये है कि IBPS कलर के लिए नई भर्ती आई है। ये 2020 की भर्ती है। IBPS का मतलब बैंकिंग में कलर के लिए नई भर्ती आई है। ये ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन भर्ती से संबंधित देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। IBPS का फुल फॉर्म कह लिया जाए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन का शॉर्ट फॉर्म IBPS। जो IBPS में कलर के लिए यहाँ पे भर्ती के लिए नोटिस जारी की गई है, जो यहाँ पे सभी नोटिस का संपूर्ण विश्लेषण स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे ये शो किया जा रहा है इम्पोर्टेंट डेट, यानी ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग तारीख यहाँ पे सबसे पहले शो किया जा रहा है। एप्लीकेशन बिगिंग 2/9/2020, ऑनलाइन करने की स्टार्टिंग डेट है वो 2/9/2020 से है। सभी योग्य उम्मीदवारों 2/9/2020 से आसानी से ऑनलाइन कर सकेंगे। लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन करने की अंतिम तारीख है वो 23/9/2020 तक है। उसके बाद यहाँ पे शो किया जा रहा है लास्ट डेट पे एग्जाम फी, यानी कि जब आप इस फॉर्म को आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क भी भुगतान करना होगा। जो आवेदन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख यहाँ पे शो किया जा रहा है 23/9/2020 तक। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पे देख पा रहे हैं, PET ट्रेनिंग। जो PET ट्रेनिंग की बात कर लिया जाए, 23 से आपका 28/9/2020 के बीच आपका PET ट्रेनिंग लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन प्री एग्जाम डेट, यानी कि इसमें प्री और मेंस दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे। जो दोनों एग्जाम का यहाँ पे डेट शो किया जा रहा है, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे ये शो किया जा रहा है ऑनलाइन प्री एग्जाम डेट 5/13/2020, यानी कि 5 से 13 दिसंबर 2020 की आपकी ऑनलाइन प्री एग्जाम होगी, ऑनलाइन प्री आपकी एग्जाम होगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्री एडमिट कार्ड अवेलेबल, जो आपका प्री एडमिट कार्ड अवेलेबल करवाया जाएगा वो 18/9/2020 को प्री एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड शो किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं मेंस एग्जाम डेट की बात के लिए, तो मेंस एग्जाम जो आपकी होगी वो 24/1 को होगी। जो इसका एडमिट कार्ड शो किया जाएगा वो 1 जनवरी 2021 में इसका एडमिट कार्ड शो किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं एप्लीकेशन फ़ी, यानी आवेदन शुल्क कितनी भुगतान करने होंगे सभी कास्ट के लिए इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, जो यहाँ पे शो किया जा रहा है। जनरल OBC और EWS कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, तो जब इस फॉर्म को जब ये सभी कास्ट लोग आवेदन करेंगे तो उनको ₹850 आवेदन शुल्क भुगतान करने होंगे। SC और ST और PH कैंडिडेट को ₹175 आवेदन शुल्क भुगतान करने होंगे। अब बात कर ली जाए कि आपको आवेदन शुल्क कैसे भुगतान करना है, तो यहाँ पर ये शो किया जा रहा है पे द एग्जामिनेशन फी थ्रू ऑनलाइन फी मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल वैलेट, कैश कार्ड, इसके माध्यम से आप आवेदन शुल्क की भुगतान कर सकेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकेंगे और भी अच्छे ढंग से समझ सकेंगे। वैकेंसी डिटेल टोटल की बात करी जाए, तो इसमें टोटल जो सीट है वो 1557 टोटल सीट है, जो जनरल कास्ट के लिए 738 है, OBC के लिए 333 है, EWS कास्ट के लिए 136, IBPS कलर के लिए यहाँ पे टोटल सीट है, SC के लिए 230 और ST के लिए 124 सीट है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे ये शो किया जा रहा है पोस्ट डेट टोटल पोस्ट एज लिमिट एलिजिबिलिटी, यहाँ पे शो किया जा रहा है क्लर्क, यहाँ पे क्लर्क के लिए वैकेंसी है जो पोस्ट डेट में आपका शो किया जा रहा है। टोटल पोस्ट की बात के लिए तो 1557, जो अभी आप समझ गए कि 1557 में कौन सी कास्ट के लिए कितना टोटल सीट है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब इस फॉर्म को सभी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे तो उनका एज लिमिट की बात के लिए है, तो सभी योग्य उम्मीदवारों का एज कम से कम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम 28, यानी 20 से 28 के बीच में सभी कास्ट के लिए एज होना आवश्यक है। जो यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है 1/9/2020, यानी 1/9/2020 को कम से कम एज आपका 20 होना चाहिए और 1/9/2020 को अधिकतम आपका 28 होना चाहिए।
यानी कि साथियों 1/9/2020 को आपको 28 से अधिक एज हो जा रही है तो आप इस फॉर्म को आवेदन नहीं कर सकेंगे। अब इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, बैचलर की डिग्री प्राप्त हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, या बैचलर की डिग्री में किसी भी स्ट्रीम से आपका बैचलर की डिग्री प्राप्त है तो इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास बैचलर की डिग्री होना चाहिए, चाहे आपकी बैचलर की डिग्री में आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी विषय किसी भी स्ट्रीम से आप पास है बैचलर की डिग्री, या इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बैचलर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को आसानी से आवेदन कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टेट बैंक वाइज डिटेल, यानी कौन से स्टेट में टोटल सीट कितनी है सभी कास्ट के लिए यहाँ पे शो किया जा रहा है। फर्स्ट नंबर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो टोटल सीट है आईबीपीएस कलर के लिए वो 136 है। जो 136 की मैं बात कर लिया है, जनरल कास्ट के लिए 61 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 41 है, एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 3 है। इसी तरह कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में टोटल सीट है वो 136 है। आप इसे यहां क्लिक हेयर करके और भी डिटेल देख सकेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी बैंक में सभी कास्ट के लिए कितनी टोटल सीट है। इस जगह पे आप क्लिक हेयर करके देख सकेंगे किसी भी आप स्टेट का, अपने स्टेट या किसी भी आप स्टेट का देख सकेंगे। जैसे यहां पे दिल्ली शो किया जा रहा है तो आप यहां पे क्लिक हेयर करके दिल्ली का और भी डिटेल देख सकेंगे। जो उत्तराखंड में टोटल सीट 18 है, जनरल कास्ट के लिए 12, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 4 सीट है और एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है उत्तराखंड में। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट के लिए 30 है टोटल सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 17 है, एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 4 है। टोटल इसी तरह मिलाकर जो दिल्ली में आपकी वैकेंसी है वो 67 है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं बिहार की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट के लिए 36 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 9 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए इसमें वैकेंसी नहीं है और टोटल सीट की बात कर ली जाए बिहार में वो 76 है यानी 76 है। नेक्स्ट यहां पे देख पा रहे हैं कि झारखंड में टोटल सीट 55 है, यहां जनरल कास्ट के लिए 28 है, जनरल कास्ट के लिए 28 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है और यहाँ पे ये भी शो किया है, ओबीसी के लिए 5 है, एससी के लिए भी इसमें 5 है, एसटी के लिए 13 है। टोटल इसी तरह झारखंड में 55 सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश में जनरल कास्ट के लिए 33 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए कास्ट के लिए 9 सीट है, एसटी के लिए 12 है, एसटी कास्ट के लिए यहाँ पे 14 सीट है। इसी तरह मध्य प्रदेश में टोटल सीट है वो 75 यानी 75 सीट है। यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे 5 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है और ओबीसी कास्ट के लिए भी इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है और ना ही एससी के लिए यहाँ पे भी नहीं वैकेंसी है, केवल एसटी के लिए 2 सीट है। यानी कि छत्तीसगढ़ में जनरल कास्ट के लिए 5 और एसटी के लिए 7 टोटल वैकेंसी है आईबीपीएस क्लर्क में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख पाएंगे हरियाणा की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट के लिए हरियाणा के लिए वैकेंसी 18 है और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 9 है और एएससी के लिए 6 है, एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं। इसी तरह हरियाणा के लिए 35 वैकेंसी है। राजस्थान की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट के लिए राजस्थान में 23 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 9 है और एससी के लिए 7 है और एसटी के लिए 5 है। इसी तरह राजस्थान में 48 टोटल सीट है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक यहाँ पे शो किया जा रहा है, महाराष्ट्र में जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका 151 टोटल सीट है, ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 32 है 32 है और ओबीसी कास्ट के लिए 89 है और एससी के लिए 34 है और एसटी के लिए 28 टोटल वैकेंसी है। इसी तरह महाराष्ट्र में टोटल वैकेंसी आईबीपीएस क्लर्क में वो 334 टोटल वैकेंसी है। इसी तरह आप देख पा रहे हैं वेस्ट बंगाल की बात करें तो जनरल के लिए 49 और ईडब्ल्यूएस कास्ट के लिए 16 और ओबीसी कास्ट के लिए 28 और एससी कास्ट के लिए भी 28 है और एसटी कास्ट के लिए यहाँ पे 4 सीट है। इसी तरह टोटल 125 है। हिमाचल प्रदेश की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका 18 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 9 है और एससी के लिए भी 9 है और एसटी के लिए 1 सीट है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 40 सीट है। आंध्र प्रदेश की बात कर लिया जाए तो जनरल कास्ट के लिए 7 है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और ओबीसी के लिए 1 केवल सीट है
और एससी के लिए इसमें बात करें तो इसमें भी एक है और एसटी के लिए भी एक है। आंध्र प्रदेश में टोटल सीट 10 है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें भी अरुणाचल प्रदेश में जनरल कास्ट के लिए एक सीट है। यहाँ पे डॉट यहाँ पे शो किया जा रहा है, यानी कि साथियों अरुणाचल प्रदेश में केवल जनरल कास्ट के लिए एक ही सीट है जो यहाँ पे टोटल में भी एक शो किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं असम की बात के लिए तो जनरल कास्ट के लिए 7 है, एससी ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए 7 है। इसी तरह टोटल सीट असम में 16 है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ की बात के लिए तो जनरल कास्ट के लिए 4 है और ईडब्ल्यूएस के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है और यहाँ पे एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। टोटल सीट यहाँ पे 6 है। दादर और नगर दमन और दीव की बात के लिए तो जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे 3 सीट है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी कास्ट के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। बस यहाँ पे आपका जनरल कास्ट के लिए 3 सीट है दादर और नगर हवेली में और एसटी कास्ट के लिए 1 है। इसी तरह टोटल यहाँ पे 4 सीट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लिया जाए गोवा की बात कर लिया जाए तो गोवा में जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए कोई भी नहीं, एसटी के लिए 3 है। इसी तरह टोटल 17 वैकेंसी है। गुजरात में जनरल कास्ट के लिए 53 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है और ओबीसी के लिए 31 है, एससी के लिए 20 है। इसी तरह एसटी के लिए 20 है। इसी तरह टोटल 119 है। जम्मू कश्मीर में 3 सीट है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 1 है और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। टोटल यहां पे 5 सीट शो किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। कर्नाटका की बात करें तो जनरल कास्ट के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 6 है और एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए 2 है। इसी तरह टोटल 29 है। केरला की बात करें तो केरला में 17 यहाँ पे वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 10 है, एसटी के लिए 3 है और एससी के लिए 2 है। इसी तरह केरला में 32 सीट है। लक्षद्वीप की बात करें तो जनरल कास्ट के लिए वहाँ पे 1 है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, एसटी के लिए एससी और एसटी के लिए 1 यहाँ पे सीट है। यहाँ पे टोटल लक्षद्वीप में आपका 2 सीट है। मणिपुर में जनरल के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 0 है और ओबीसी के लिए 1 है, एससी और एसटी के लिए 0 है। यहाँ पे मणिपुर में टोटल 2 वैकेंसी है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में केवल आपका जनरल कास्ट के लिए 1 है, बाकी किसी भी कास्ट के लिए इसमें मेघालय के लिए कोई भी सीट नहीं है। इसी तरह टोटल यहाँ पे 100 किया है। मिजोरम की बात के लिए तो मिजोरम में जनरल कास्ट के लिए यहाँ पे 1 है और ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी इन सभी कास्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, बस जनरल कास्ट के लिए केवल 1 है। नागालैंड की बात के लिए तो नागालैंड के लिए जनरल कास्ट के लिए 3 सीट है और नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी की बात करें तो ये तीनों कास्ट के लिए कोई सभी वैकेंसी नहीं है। इसमें केवल एसटी कास्ट के लिए 2 सीट है और यहाँ पे जनरल कास्ट में 3 और 2 मिलाकर नागालैंड में यहाँ पे टोटल वैकेंसी 5 है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में जनरल कास्ट के लिए 21 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 7 है, एससी के लिए 2 है और एसटी के लिए 10 है। इसी तरह उड़ीसा में टोटल वैकेंसी 43 है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं पांडुचेरी की बात के लिए तो पांडुचेरी में आपका जनरल कास्ट के लिए 3 है, एससी ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी इसमें किसी कास्ट के लिए भी वैकेंसी नहीं है, बस जनरल कास्ट के लिए 3 वैकेंसी है। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं पंजाब की बात के लिए तो पंजाब में जनरल कास्ट के लिए 58 वैकेंसी यानी 58 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, ओबीसी के लिए 28 है और एससी के लिए 38 है और एसटी के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। पंजाब में टोटल वैकेंसी है वो 136 वैकेंसी है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में बस आपका ओबीसी कास्ट के लिए 1 वैकेंसी है, बाकी किसी भी कास्ट के लिए इसमें कोई सा भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देख पा रहे हैं तमिलनाडु की बात के लिए तो तमिलनाडु में जनरल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं उनका 48 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 13 है और एससी के लिए 9 है और एसटी के लिए कोई सा भी वैकेंसी नहीं है। इसी तरह तमिलनाडु में 77 टोटल वैकेंसी है। तेलंगाना की बात के लिए तो तेलंगाना में टोटल वैकेंसी 10 है जनरल कास्ट के लिए, टोटल वैकेंसी यहाँ पे 20 है जनरल कास्ट के लिए, यहाँ पे 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 5 है और एससी के लिए यहाँ पे 3 है और एसटी के लिए 1 है। त्रिपुरा की बात के लिए तो त्रिपुरा में टोटल वैकेंसी 11 है
जनरल के लिए 6 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 0 है और SC की बात के लिए तो SC कास्ट के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी है और ST के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है। त्रिपुरा में टोटल वैकेंसी 11 है। तो ये थी साथियों सभी कास्ट के लिए कितनी टोटल वैकेंसी थी। यहाँ पे ये भी शो किया जा रहा है अप्लाई ऑनलाइन डाउनलोड पैटर्न सिलेबस, यानी IBPS क्लर्क में जब आप रिटन टेस्ट देने जाएंगे तो आपका सिलेबस क्या होने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, आप यहाँ से क्लिक हेयर करके और भी आसानी से देख सकेंगे। डाउनलोड नोटिफिकेशन, यानी नोटिफिकेशन में और भी इससे संबंधित डिटेल आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप जा सकेंगे। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सभी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आसानी से अप्लाई ऑनलाइन भी कर सकेंगे, सिलेबस भी देख सकेंगे, नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकेंगे। ये थे साथियों IBPS क्लर्क की नई भर्ती की ऑल डिटेल ऑल इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।